This month we are looking into the ethical teachings of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु मसीह के नैतिक शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं. We have already looked into two of them. हमने उनमें से दो में पहले ही विचार किया है. The first one we looked was love your neighbor as yourself. पहली चीज जो हमने देखी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. The second time we looked at love your enemies. तीसरी बार जो हमने देखा वह अपने दुश्मन से प्रेम करने के बारे में था. Today I'm going to focus on something that Jesus has spoken often. और मैं आज उस चीज पर विचार करना चाहूंगा जो यीशु मसीह ने कई बार बोली है. And that is do not worry about anything. और वह है कि किसी चीज की चिंता मत करना. Usually as a human being we have two types of worries. As मनुष्य के रूप में हमारे पास दो तरह की चिंताएं होती हैं. The first worry we have is we are sinful people. What is going to happen to us? Will we be able to reach to the ultimate goal? और हमारी पहली चिंता यह रहती है कि हम पापी मनुष्य हैं, हमारा क्या होगा, क्या हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. Will we be able to reach the place where God lives? क्या हम उस जगह पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर रहता है. And the second worry we have is what are we going to eat? What are we going to wear? What are we going to have? और दूसरी चिंता जो हमारी होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे. So we live with these two types of worries. First, what are we going to do about our sin? And the second, what are we going to do in our life? From where we are going to get the resources? तो हम इस दो तरह की चिंताओं में जीते हैं कि हम अपने पापों के प्रति क्या करेंगे और दूसरी चिंता कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे पास साधन किस तरह से आएंगे. And Lord Jesus Christ is trying to address these both things in this place. और प्रभु यीशु मसीह इन दोनों चीजों को यहाँ पर संबोधन करने की कोशिश कर रहे हैं. We look before this parable that Lord Jesus Christ is saying. प्रभु यीशु मसीह जो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं उसके पहले अगर हम देखें, Lord Jesus Christ is trying to tell people that if anyone confesses me before men, I am going to confess them before the Father. And if anyone who does not confess me before men, I am not going to confess them, I am not going to acknowledge them before the Father. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई लोगों के सामने मेरा अंगीकार करे तो मैं पिता के सामने, परमेश्वर के सामने उनका अंगीकार करूंगा. अगर कोई मेरा मुझे लोगों के सामने ठुकरा दे तो मैं पिता के सामने, परमेश्वर के सामने उन्हें ठुकरा दूंगा. एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ट्राइंग टू टेल दैट द इटर्नल लाइफ दैट कम्स from the Father is only through the Lord Jesus Christ. और प्रेशमस इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनंत जीवन परमेश्वर के पास से आता है वह प्रेशमस के द्वारा ही है. And Lord Jesus Christ is trying to say that if you love me and if you obey me and if you accept me as your Lord and Savior, then you have the eternal life. The forgiveness of sin. तो यीशु मसीह इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, अगर आप मुझे अपने जीवन में ग्रहण करते हो तो अनंत जीवन या पापों की क्षमा आपकी है. And Lord Jesus Christ is trying to address that question that what are we going to do about our sin. तो यीशु मसीह इस बात के लिए उत्तर दे रहे हैं कि हम अपने पापों के प्रति क्या करेंगे. And that's what the Lord Jesus Christ is trying to say. And then, when Lord Jesus Christ has said these things, then after that, a person comes to the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह जब इस चीजों को बोल चुके होते हैं, तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है. And he says, that tell my brother to divide the land for me. और यीशु मसीह से कहता है कि मेरे भाई से कह दे
कि जो भूमि है पिता की जो संपत्ति है उसे मेरे भाई से कह दे कि वो मेरे साथ बंटवारा करे. एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेल्स टू हिम दैट कवेटियसनेस इज नॉट गुड. और कृष्ण मसीह उससे कहते हैं कि लोभ या लालच या दूसरों की वस्तुओं का लालच अच्छी चीज नहीं है. The man has said that tell my brother to divide the land. उस व्यक्ति ने आके कहा कि अब मेरे भाई से कह दे कि यह जो भूमि है इसे मेरे बीच में बंटवारा कर दे. Looks like Lord Jesus Christ understood what he is trying to say. और ऐसा लगता है कि प्रभु मसीह इस बात को समझ पाए कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है. From outside he is saying it polished. ऊपर से तो वो बड़े अच्छे से उसको बता रहा है. एंड ही इज ट्राइंग टू ब्लेम हिज ब्रदर फॉर द फॉल्ट. और वह अपने भाई पर दोष लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस भाई की गलती है. बट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नोज दैट हूज फॉल्ट इट इज. प्रभु मसीह इस बात को जानते हैं कि किसकी गलती वहां पर है. एंड ही सेज डू नॉट कवेट. प्रभु मसीह कहते हैं कि दूसरों की वस्तु का लालच मत कर. What does that mean? That this guy was trying to capture his brother's property, something that belonged to his brother. So उससे यह लग स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति अपने भाई की संपत्ति को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है. संपत्ति जो उसके भाई के भाग की है उसे लेने की कोशिश कर रहा है. And there the Lord Jesus Christ says that life doesn't depend on what you have. But life depends on something greater than that. और प्रभु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन उन संपत्ति पर आधारित नहीं रहता जो वह बटोर सकता है या दुनिया की सुख सुविधाओं पर आधारित नहीं रहता. It doesn't depend upon the things we have in our life, but it depends upon God. और यह जीवन है जो चीजें हमारे पास हैं उस पर आधारित नहीं रहता किंतु उस पर आधारित रहता है कि हम परमेश्वर को जाने. इफ वी नो गॉड वी हैव एवरीथिंग. अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारे पास सब कुछ है. देन ही गोस ऑन क्लैरिफाइंग हिज स्टेटमेंट लिटिल मोर सो दैट पीपल डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम. और प्रभु मसीह इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग प्रभु मसीह को गलत न समझें. So that people do not get rid of their things and live in a wilderness or in a mountain. ताकि लोग अपने पास की चीजों को बाहर फेंक कर किसी रेगिस्तान या किसी पर्वत में जाकर नहीं रहने लगे. So he tries to clarify the things. So प्रभु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं. And he goes on saying that the things that we have we want, like what we are going to eat or what we are going to wear, what we are going to have, all those things do not worry about them. प्रभु मसीह कहते हैं कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे इसकी चिंता मत करो. But why? Because God knows everything that you need. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपको क्या आवश्यकता है. And Lord Jesus Christ is trying to assure that God is the supplier of everything and He knows everything. और प्रभु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर सब चीजों का स्रोत है. परमेश्वर सब चीजों को देने वाला है तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं. And the Lord Jesus Christ says about the story. और प्रभु मसीह एक कहानी को बोलते हैं. And he says there was a rich man. और प्रभु मसीह कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था. And this rich man had plenty. और इस धनवान व्यक्ति के पास बहुत दायित्व था. And he had a bumper crop. और उसके पास बहुत ज्यादा अनाज की उत्पत्ति हुई. He didn't have place to store it for so much. उसके पास जगह नहीं थी कि उस अनाज को वह इकट्ठा कर सके. एंड ही हैड टू टेयर डाउन हिज बांस एंड ही हैड टू एक्सपेंड देम. उसे अपने जो खट्टे थे उन्हें तोड़कर उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता थी. एंड ही सेड आई एम गोइंग टू टेयर डाउन माई बांस आई एम गोइंग टू बिल्ड देम बिग एंड देन आई एम गोइंग टू से टू माई सोल दैट आई हैव प्लेंटी फॉर इयर्स
एंड आई कैन ईट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय। और उसने अपने आप से कहने की कोशिश की कि मैं इन खतों को तोड़ूंगा, उन्हें बड़ा बनाऊंगा और मैं सारे अनाज को वहां इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद मेरे पास सालों के लिए अनाज है, सालों के लिए साधन है, और उसके बाद मैं खाऊंगा पीऊंगा और मौज मनाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट वी थिंक इट्स द स्टोरी ऑफ आवर सेल्फ। क्या हम नहीं सोचते कि बहुत बार ये हमारी अपनी कहानी है। वी वॉन्ट टू ईट ड्रिंक एंड एंजॉय, हम चाहते हैं कि हम खाएं पिए और आनंद करें, एंड वी फॉरगेट अबाउट गॉड, और हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं, एंड वी फॉरगेट दैट देयर इज अ गॉड एंड इट डिमांड्स होलीनेस, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जो पवित्रता की हमसे उम्मीद करता है। एंड Lord Jesus Christ says that God says to this person that today if your soul will be taken away, if you die today, what will this profit to you? What will this everything that you are gathering will profit you? और प्रभु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर उस धनवान व्यक्ति से कहता है कि अगर आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, अगर आज तू मर जाए, तो ये सारी चीजें जो तूने इकट्ठी की है, इसका क्या फायदा होगा, इससे तेरी जिंदगी में क्या होगा। सो दैट मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट वॉट विल हैपन टू अस आफ्टर वी डाई। इसका मतलब है कि हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हम मरने के बाद हमारा क्या होगा, वेयर आर वी गोइंग टू स्पेंड अवर इटर्निटी, हम अपना अनंत जीवन कहाँ पर व्यतीत करेंगे, आर वी गोइंग टू स्पेंड अवर इटर्निटी In heaven where God lives, क्या हम अपना अनंत जीवन स्वर्ग में व्यतीत करेंगे जहाँ परमेश्वर रहता है, or we are going to spend our eternity where which is called hell, या हम उस जगह पर अपने अनंत जीवन को व्यतीत करेंगे जो कि नरक कहलाता है। So we have to think about it, that where we are going to spend our eternity, what is going to stop us from spending our eternity into heaven, कौन सी चीज है जो हमें स्वर्ग में अपना समय अनंत जीवन व्यतीत करने से रोक सकती है, and that is sin, और वह पाप है। So we come back to our first worry, so हम पहली चिंता में वापस लौट आते हैं कि we worry about our sin, हम अपने पापों की चिंता करते हैं कि हम पापी हैं, हम क्या करें। We worry that we are sinners, what we will do about it. And the Lord Jesus Christ says that if you come to me, all you are heavy laden, if you come to me, I will give you rest. और प्रभु मसीह कहते हैं कि है सब परिश्रम करने वाले और बहुत से थके हुए लोगों, अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So we can come with confidence before the Lord Jesus Christ with our sins, and we can give our sins to Him and tell Him to take care of it. और हम पूरे हियाव के साथ, पूरी हिम्मत के साथ प्रभु मसीह के पास आ सकते हैं और अपने पापों को प्रभु मसीह के हाथ में दे सकते हैं, और उसे कह सकते हैं कि प्रभु जी इन पापों का आप उपाय करिए, एंड ही विल ग्लैडली डू इट, ही विल ग्लैडली रिमूव दोस सिंस फ्रॉम अवर लाइफ, और प्रभु मसीह हमारे पापों को खुशी के साथ माफ कर देंगे। It reminds me of a story again, और यह एक और कहानी मुझे याद दिलाती है। There was a young man, he was selling something on the street. और एक जवान लड़का था जो सड़क पर कुछ बेच रहा था। And he was selling it, and finally he got very tired, he was hungry, and he thought from where he is going to get the money to eat something. और वह बेचते बेचते आखिरी में बहुत थक चुका था और बहुत भूखा था, और उसे नहीं मालूम था कि उसके पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। एंड ही थॉट ही इज गोइंग टू गो एंड नॉक एट अ डोर एंड आस्क फॉर वाटर, और उसने सोचा कि मैं जाकर किसी घर में खटखटाऊंगा और पानी मांगूंगा। एंड ही वेंट टू ए हाउस एंड ही नॉक एट द डोर And a young girl opened the door. और उसने जाकर दरवाजे पर खटखटाया और एक छोटी लड़की ने दरवाजा खोला। And he said, "Can I have a glass of water?" उसने कहा कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? And the girl smiled and she said, "Okay, I'll bring it to you."
और उस लड़की ने मुस्कुराया और कहा कि मैं लेकर आती हूँ. She went inside and she came back, and when she came back, she had a glass of milk with her. और जब वह गई और वापस आई तो उसके पास एक ग्लास भर कर दूध था. And she gave it to this boy. और उसने इस लड़के को दिया. And he drank that milk and he thought, oh, I asked for water and she brought milk. और उसने कहा कि मैंने तो पानी मांगा था, यह दूध लेकर आई है. So I had to give something to her in return for it. तो उसने कहा, सोचा कि मुझे इसके बदले में कुछ देने की आवश्यकता है. So he asked, how much I owe you? और तो उसने कहा कि मुझे कितने पैसे आपको देने इस दूध के लिए. So she smiled and she said it's free. और उसने मुस्कुराई और कहा कि ये मुफ्त है. You don't have to pay anything. तुम्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है. So this young man thanked her and walked away rejoicing. और इस लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और वह चला गया मुस्कुराते हुए खुश होकर. Time went by, years went by, and this young girl became a beautiful woman. And one day she was ridden with sickness and she was at the end of her life. और एक समय गुजरता गया, सालों गुजर गए और यह जो लड़की थी वह बड़ी हुई और वह एक दिन बीमारी में पड़ गई और यहाँ तक कि मृत्यु के नजदीक थी. एंड द विलेज वेयर शी वाज देयर द डॉक्टर सेड शी हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड. और जो हॉस्पिटल जहाँ पर वहाँ वह थी उसे कहा गया कि उसे दुनिया के सबसे मशहूर चिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा. एंड शी वॉज ट्रांसफर टू दैट हॉस्पिटल और वह उस अस्पताल में ले जाई गई. एंड देयर द डॉक्टर्स एंड नर्सेस दे वर्क हार्ड एंड दे कुड सेव हर लाइफ. और वहाँ पर डॉक्टर और नर्सों ने बहुत मेहनत करी और उसकी ज़िंदगी को बचाने में वे सफल हो गए. एंड फाइनली शी वाज ओके, शी वाज हेल्थी एंड देन आफ्टर दैट शी रिसीव्ड हर बिल. और वह स्वस्थ हो गई और उसके बाद उसने अपने जो अस्पताल का बिल उसे मिला. एंड शी ओपन्ड विद लॉट ऑफ फियर और उसने अस्पताल के बिल को बहुत डरते और कांपते हुए खोला. शी थॉट इट मस्ट बी ए ह्यूज अमाउंट और उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा बड़ी रकम होगी. व्हाई? बिकॉज शी वाज ट्रीटेड बाय द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि उसकी चिकित्सा सबसे अच्छे चिकित्सक, दुनिया के सबसे अच्छे चिकित्सक के द्वारा हुई थी. And when she opened, she went through it. It was a huge amount, and there was a note written on the side. और उसने देखा बिल बहुत बड़ी रकम थी, किंतु उसके बाद वहाँ पर उसके नीचे लिखा हुआ था, paid in full with a glass of milk. और उसमें लिखा हुआ था कि यह रकम पूरी तरह से चुका दी गई है एक दूध के ग्लास के द्वारा. एंड शी वॉज शॉक्ड और उसे बहुत आश्चर्य हुआ. एंड शी वेंट टू द डॉक्टर एंड आस्क्ड व्हाट दिस ऑल मीन्स और वह डॉक्टर के पास गई और उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है. एंड द डॉक्टर सेड दैट आई एम दैट यंग बॉय हु केम टू योर डोर एंड यू गेव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क. और उस डॉक्टर ने कहा कि मैं वह छोटा लड़का हूँ जो तुम्हारे दरवाजे पे आया था और तुमने मुझे एक ग्लास दूध दिया था. एंड शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज पेड ऑल अवर डेब्ट इन फुल. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु मसीह ने हमारे सारे कर्जे को पूरी तरह से चुका दिया है. ऑल वी हैव टू डू इज रिसीव इट. और हमें केवल यह करने की आवश्यकता है कि हम इसे प्राप्त कर लें. वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द फ्री गिफ्ट दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव्स अस. और हमें
केवल कृष्ण मसीह जो उस मुफ्त उपहार को दे रहे हैं उसे प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। We have to just receive the forgiveness of sins in our life। हमें केवल अपने पापों की क्षमा को हमें प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। So let's come to Him and ask Him that He may forgive our sins and we may have so that He can forgive our sins and cleanse us completely। आइए हम प्रभु मसीह के पास आएं और प्रभु मसीह से मांग लें कि प्रभु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर दें और हमें पूरी रीति से पापों से मुक्त कर दें। And He will gladly do it। और प्रभु मसीह बड़ी खुशी के साथ ये करेंगे। And He will give us the assurance that we are not going to end up in hell। और प्रभु मसीह इस बात का हमें पूरा भरोसा देंगे कि हम नरक नहीं जाएंगे। And when we will die in this life, we are going to end up in heaven। और जब हम इस दुनिया में मरेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। पर प्रभु मसीह इसका हमें भरोसा देंगे। Lord Jesus Christ is going to give us assurance for that। So let's come to Him with boldness। तो हम प्रभु मसीह के पास पूरी हिम्मत के साथ आ जाएं।